जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये फिक्सल एलईडी लाइट है, इसमें एक्स वाई जेड समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि कोई भी अगर समस्या हो रही है तो आप ख़राब एलईडी को आप कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले इस एडेप्टर के बारे में हम बात कर लेंगे जिसके माध्यम से ये जो एलईडी है ये पूरी फिक्सल लाइट जलती है। तो पहले सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसमें कौन सा सर्किट लगा है और किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि इसमें दो वायर निकलने होते हैं माइनस और प्लस, लेकिन इसमें तीन वायर हैं और तीन वायरों से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोस्तों इसमें जो ये डिब्बी लगी हुई है और उसके बाद ये प्लेट लगी हुई, तो यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है जो आईसी दो वायर इनपुट लेती है और तीन वायर आउटपुट निकालती है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो सर्किट है तो इस तरह से है। अब इस सर्किट में यदि कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो दोस्तों जो कंपोनेंट ख़राब है आप उसी कंपोनेंट को बदल सकते हैं, जैसे कि इसमें कैपेसिटर बहुत सारे लगे हुए हैं और पीछे की तरफ हम देख सकते हैं इसमें आईसी लगी हुई है और काफ़ी रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं और यहाँ पर भी एक आईसी लगी है। तो इस तरह से जो भी इसमें कंपोनेंट ख़राब होंगे तो आप उसी को चेंज कर देंगे और उसके बाद फिर ये आपका सर्किट फिर से काम करने लगेगा। तो ये तो दोस्तों ये सर्किट की बात हुई है। अब इसके डोरी है और इसमें जो बल्ब हैं, यदि वो बल्ब ख़राब होते हैं तो आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, और ये जो झालर है इसमें देखते हैं कि कितने एलईडी ख़राब हैं और उनको कैसे रिपेयर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझ में आए। तो ये देखिए, ये जो लाइट है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी लाइट है, क्योंकि इसमें जो पट्टा है वो भी बढ़िया है और यहाँ पर देख रहे हैं जो लाइट है और जो डोरी है, डोरी जो है वो कॉपर की है, मतलब इसका जो वायर है वो काफ़ी मजबूत है, अच्छा है। तो यहाँ पर दोस्तों अधिकतर एक ही समस्या सामने आती है, जो भी एलईडी के पास जो कनेक्शन रहते हैं और उन्हीं में अधिकतर ये समस्या आती है इस लाइट में। बाकी दोस्तों इसके जो बल्ब है वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं और कई कलर में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इसमें आईसी लगी होती है तो वो उस प्रकार से काम करती है। तो यहाँ पर ये हमने सर्किट जोड़ दिया है। अब दोस्तों एक और सलाह देंगे, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम करें तो दोस्तों सबसे पहले यही है कि आप सीरीज में ही उपयोग करें। यदि आप रिपेयर का काम कर रहे हैं तो, और यदि वैसे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रिपेयर का काम कर रहे हैं तो आप सर्किट को जब भी आप इस्तेमाल करें तो सीरीज में ही इस्तेमाल करें, ताकि वो सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया है, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारी सीरीज है और इसी का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखिए, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन ये सीरीज में हम उपयोग करेंगे ताकि अगर कोई सर्किट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ रिपेयर कर रहे हैं तो इसलिए हम इस सर्किट का, ये सीरीज का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने ये वायर जोड़ दिए हैं, ये डिब्बी के वायर जुड़ गए हैं। अब इसके बाद में हम इसमें सप्लाई देते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने ये इसका सेटअप बनाया हुआ है। अब इसको अच्छे से अब हम प्लग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये सभी एलईडी जल रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो एलईडी को पकड़े हुए हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बस यही एलईडी यहीं से बंद है। तो यहाँ पर एक और दोस्तों है कि यहाँ पर एक कट भी है, तो उसको भी देखेंगे। ये देखिए, यहाँ से जो एलईडी हम पकड़े हुए हैं ये काम नहीं कर रही है, और इस पट्टे को हम हिला कर देख रहे हैं कहीं, ये देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन ही इसमें डिस्टर्ब कर रहा है, कनेक्शन बार बार पकड़ रहा है और छोड़ रहा है। तो अधिकतर इस लाइट में जो भी समस्या आती है वो यहीं से समस्या आती है, क्योंकि इसकी जो एलईडी रहती हैं वहाँ से इसमें सोल्डरिंग की होती है और आईसी के पास से सोल्डरिंग करते समय ही उसमें जो गिलू चिपका होता है वहीं से ये सोल्डरिंग हट जाती है कभी कभी। और जब सोल्डरिंग हट जाती है तो यहीं से, क्योंकि ये सभी पूरी लाइट है वो डोरी की सीरीज में बनी हुई है, और जब एक कनेक्शन हट जाएगा तो वहीं से आधी लाइट या पूरी लाइट, जहाँ से ये कनेक्शन हटेगा वहीं से शेष लाइट बंद हो जाएगी। तो यही देख लेंगे कहीं कोई उसमें कट तो नहीं है, यदि कोई कट है तो पहले उसी को हम ठीक करें फिर आगे प्रोसेस करें। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, ये कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पर हम इस लाइट को बाहर निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें किस प्रकार की जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से होता है और इसकी जो आईसी है वो किस तरह से होती है। ये देखिए, चलिए हम इसको थोड़ा सा, इसमें जो ग्लू चिपका है और ऊपर इसमें जो प्लास्टिक की परत है हम इसको हटा लेंगे। इसमें हम दोस्तों आपको ये भी दिखाएंगे कि इसमें जो कनेक्शन रहते हैं वो कैसे रहते हैं और जो आईसी होती है वो कौन सी आईसी लगी होती है और किस प्रकार पे ये जो सर्किट है काम कर रहा है, क्योंकि एक एलईडी में बहुत सारे कलर रहते हैं। तो हम आपको यही दिखाने वाले हैं इसमें। इसको ये देखिए, यहाँ से हमने पहले इसको जो ऊपर की परत है वो इस तरह से ये हटा दिया है। अब इसके बाद में जो ग्लू है इसको भी इस तरह से हम हटा लेंगे पूरा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे, साफ दिखे, अच्छे से दिखे। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही ग्लू है तो नॉर्मल है, बहुत ही वैसा होता है, हल्का हो रहता है, ये बहुत टाइट नहीं रहता, बहुत ही मुलायम रहता है ये।
ये देखिए इस तरह से हमने जो है यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये जो कनेक्शन होते हैं यहाँ पे एक दो तीन, ये ही यहाँ पे कनेक्शन होते हैं। और एक कनेक्शन हट जाने से फिर वहीं से जो टोरी का कनेक्शन है वो टूट जाता है। जो आईसी है वो भी हम देख सकते हैं, इस तरह की आईसी है, ये देखिए ऊपर वाली परत है, हम इसको भी हटा देते हैं और देखते हैं कि एलईडी बल्ब में कितने वायर हैं। ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों पहले हम इसको पूरा अच्छे से साफ कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कुछ इस तरह से, ये बहुत मुलायम रहती है क्योंकि ग्लू है। यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो एलईडी है उसमें चार वायर हैं, ये देखिए, तो इसी कारण से ये यहाँ पे कलर अलग अलग चेंज होता रहता है। ये देखिए हम आपको साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा को अच्छे से करेंगे। ये देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें चार वायर हैं और यही चार वायर हैं और यही जो आईसी है वो आईसी काम करती है चारों को सप्लाई को कलर चेंज करने में और करंट को थोड़ा सा रोक के और फेस के देने में। तो ये आईसी का मुख्य काम है। कभी कभी होता है दोस्तों कि ये आईसी भी ख़राब हो जाती है चार्जर के अंदर अंदर, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये आईसी ख़राब नहीं होती है। अधिकतर समस्या ये यहीं पर कनेक्शन होते हैं जो वही खिंच जाते हैं। एक अगर दोस्तों यदि आपके पास फिक्सल एलईडी लाइट है, झालर है, तो आप उसको यहीं पट्टे पे देखें, जहाँ से वो नहीं जग रही है वहीं बल्ब से देखें कहीं उसका कनेक्शन खिंच तो नहीं गया है।